पूरी फिल्म इज अबाउट जर्नी फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन हाउ आइडिया ऑफ रिलेशनशिप हाउ आइडिया ऑफ सक्सेस हाउ आइडिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ये आपके लिए एक एक असेट था एक तरीके से आपके टेलीविजन के बैगग्राउंड असैट तो डेफिनेटली सर है कि आज उसकी वजह से मुझे यू uh, नो you know, लोग मुझे रिलेट कर पा रहे हैं आपने कहा रिलेटेबल है तो क्या आपके ऊपर भी सोते में पानी नहीं फेंका जाता <laughs> <laughs> नहीं वो नहीं बट दिया <laughs> What part is relatable? <laughs> जिसे आपको लगता है कि यार आपकी काबिलियत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है जो आपको अभी मिल रहा है देखिए मैं अपने आप को जज नहीं कर सकती uh, yeah. जब लोग देखेंगे और uh, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसी से मुझे समझ के और फिर मैं आगे और बेटर करने की कोशिश करूँगी I never expected the amount of appreciation that came, came my way from Chichore and Asha. Hi, I'm Tushar Pandey. And I'm Deepika Singh. And you're watching Bollywood, Bollywood Hangama. Hangama. आज हमारे साथ में तुषार और दीपिका इनकी फिल्म आ रही है टी टू अंबानी प्रोमो आई थिंक बहुत दिलचस्प है और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग प्रोमो है एंड दोनों बहुत मेहनती हैं विल टॉक ऑफ द फिल्म एंड मच मच बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों बारे में नाम पे जी थैंक यू अरे काफ़ी आई थिंक दिलचस्प प्रोमो है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्रमाइज़ आप दोनों ने लिया है काफ़ी इंटरेस्टिंग सर लग रहा है तो कैसा कैसा तजुर्बा था आप लोगों का इसको शूट करते हुए आई थिंक पहली बार तो हमने शूट पैंडमिक किया तो जब ये इस फिल्म आई तो उस टाइम पे ये वाला भी चल रहा था कि शूट होगी नहीं होगी कब होगी बिकॉज ये हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में शूट किया और जब फिल्म हमने ख़त्म करी उसके बाद सेकंड वेव आया तो जब शूट मैंने जब साइन करी उसके बाद वो वाला फेस था कि अच्छा अब जा रही है फ्लोर पर कि नहीं जा रही है और जब फ्लोर पर गई तो ये टेंशन था अब कल लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा तो वो एक चीज़ चल रही थी साथ साथ बट अगर स्क्रिप्ट की बात करूँ तो मुझे बस सबसे बढ़िया बात ये लगी बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट था और जिस तरीके से जब मेरे रोहित जो डाइटर डायरेक्टर है उनसे बात हुई तो ही वॉन्टेड टू कीप इट वेरी रियल इन द जोन सो इवन इन टर्म्स ऑफ अपियरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग द कैरेक्टर इट फेल्ट लाइक आज का लड़का मेरे को बिल्कुल छोटे शहर का मिडिल क्लास लड़का तो टीटू जैसा नाम भी है तो बिल्कुल लगता है कि गली का लड़का है और जैसे मेरे भाई का नाम चिंटू है तो मुझे बिल्कुल वैसी साउंड करा कि टीटू एंड फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू डिस्कसिंग अ बॉय हुज ड्रीम आर बिगर देन इज एक्शंस तो मुझे हमेशा लगता है कि हाँ यार हम आजकल इतने इन्फ्लुएंस रहते हैं कि हम बस सक्सेसफुल बन जाएँ पैसा आ जाए एंड द आइडिया टू देन द लाइफ स्टार्ट यू नो दिस सो सेंट्रिक आइडिया ऑफ हैविंग कि ये हो जाए फिर लाइफ अच्छी हो जाएगी एंड सम हाउ दिस बॉय यही सोचता है पूरी फिल्म इज अबाउट इज जर्नी फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन हाउ आइडिया ऑफ़ रिलेशनशिप हाउ आइडिया ऑफ सक्सेस हाउ आइडिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी चेंजेज इन समबडी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इज़ कमिंग फ्रॉम और uh, कहीं ना कहीं बिकॉज एज एन एक्टर इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग वेन द टाइटल रोल का आप कर रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ नेक्स्ट चैप्टर फॉर यू जब आपको लगता है कि यार अब एक कदम और मेहनत में चेंज नहीं है बिकॉज आप छोटे काम के लिए उतना ही मेहनत करते हैं बट सम हाउ देट यू मोर रिस्पॉसिबल फॉर सीन्स दट आर नॉट इवन योर यूर नॉट इवन इन सीन यूर स्टिल ट्राइंग टू थिंक एंड सी हाउ हेल्प हाउ मच यू कैन हेल्प द होल फिल्म सो फॉर मी इट बिकम समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल एज एन एक्टर टू प्ले आपने कहा रिलेटेबल है तो क्या आपके ऊपर भी सोते में पानी नहीं फेंका जाता है <laughs> नहीं वो नहीं बट नहीं बट पार्ट इज रिलेटेबल नो आई मीन द होल आइडिया कि जब आप ए, जब आपको लगता है कि यार आप नहीं, नहीं जैसे आपको लगता है कि यार आपकी काबिलियत जो है ना वो काफ़ी ज्यादा है जो आपको अभी मिल रहा है आइडिया कि नहीं यार जैसे किरदार का भी है कि नहीं यार मैं पंद्रह भी हजार की नौकरी नहीं करूँगा यार मेरा जो है ना वो औकात तो यार लाख दो लाख वाले कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स होते हैं एंड इन लॉट ऑफ टाइम इन स्मॉल्स प्लेसेस यू डू फील यार यू नो शुड आई डू दिस थिंग्स आई फील आई मच मोर वॉट कम्स टू मी इज़ मच मोर दैन वट इज कमिंग एंड आई थिंक एक छोटे शहर में जिस तरीके की मैं दे, हूँ डेली से बट यू नो कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली यू आलवेज एट लुक डेट पीपल एंड लुक एट थिंग्स एंड इज थॉट किर आई डिजर्व दैट वाई एम आर नॉट गेटिंग दट एंड वेन आई सार्ट रीडिंग्स इज स्क्रिप्ट एंड सार्ट एड सींग थिंग आई एड फीलिंग कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं it's always about the destination and never about the journey. and uh, i think the, how the character flows has a very similar vibe to it. i feel even now, for example, if i'm with parents, and the idea is always, not shubjai, what is not because i'm too much thinking about what will it'll impact me uh, in my life, in my career, in my things. and somehow you start forgetting that what's happening around you kind of also helps where you are going, because this is,

जितना आप डिजर्व करते हैंव स्टार्डिड थियेटर सो वैन आई है थियेटर मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्टार्ट सो देर यू गेट अ चांस टू डू अ लॉट ऑफ वेरी कैरेक्टर्स इन वैन यू डू शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल यू डूइंग अ वेरी लॉन्ग हाई लेवल ऑफ सोल एंड यू फीलिंग यू एन दिस इज़ वेर आप अपना पूरा टेक्स्चर और क्वालिटी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं फिल्म फॉर एग्जाम्पल You, you kind of go slow because with film what has happened initially it just becomes real tough that you are feeling what do you do when i came here kind of pink was kind of the initial film that i'd done you know and you start understanding okay film setup you know what is that thing that you have how do you work around it because i've never worked in films or studied films i've studied acting and i think for me slowly and slowly i started feeling okay now people are accepting me post chore, it felt okay now people are recognizing me okay there is some kind of credibility involved

That though deserving, baat hai, a lot applies to you that what you say yes to or what you say no to. Because uh, I think if I'm going in a way that people are accepting me, I will eventually get what I deserve. Rather than just accepting anything that comes my way, because then it's be very difficult. Because cinema in itself is a medium where a lot of money is invested, a lot of results, like what you do is translated into what you get uh, in terms of money and how much people are ready to put money on you and your things. So, आई थिंक डिजर्विंग इस फिल्म में तो मुझे लगता है कि यू नो आर माई डिस काइंडड मी देर सो येस आई डू फील बट आई एम टेकिंग द राइट स्टेप इन माई हेड दैट इज़ लीडिंग मी देर और राइट सो देपिका जब आप ये प्रोमो देखते हैं यह आपकी पहली फिल्म है लीडिंग वूमे सो जब आप प्रोमो देखते हैं तो उसमें एहसास ही होता है दैट यू नो दैट हीज अन एक्टर नोज वॉट वॉट शी इज़ डूंग एंड आई थिंक टेलीविजन के बैकग्राउंड की वजह से आई थिंक बहुत आपको डेफिनेटली आपको आपको एक आपको हेल्प हुआ बिकॉज यू नो आपका एक ट्रेनिंग आपकी ऑलरेडी है यू यू ऑलरेडी नो हाउ टू स्पीक टू टू द द कैमरा एंड इंटरेक्ट द कैमरा एंड नीड्स टू बी डन ये आपके लिए एक एक असेट था एक तरीके से आपके टेलीविजन के बैकग्राउंड एक तरीके से सेट आपके लिए रहेगा रहेगाट तो डेफिनेटली सर है कि आज उसकी वजह से मुझे यू नो लोग मुझे रिलेट कर पा रहे हैं hmm. आज ट्रेलर देखा जा रहा है मेरा मौसमी और फिल्म का नाम टी टू अम्बानी है बट मेरा नाम भी सामने आ रहा है तो ऑब्वियसली वो असेट है मेरा लोग मुझे जानते हैं तो मुझे लोगों से आ, रिक्वेस्ट करना है या लोगों को बोलना है तो मेरे लिए आसान चीज है मगर जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट मिली और जिस तरह से कैरेक्टर है तो मुझे एक्चुअली बहुत चैलेंज लगा क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा काम नहीं किया था और कई सारे बिकॉज टेलीविजन में क्या होता है हमें आदत पड़ जाती है कि आपको तुरंत तुरंत स्क्रिप्ट मिलती है और आप परफॉर्म करते हैं यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पहले मिल गई तो आपके पास में पंद्रह दिन हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आ, इसको कैसे है? मतलब यू नो you know, उस पर काम करना है आपको आपको सेट पर जाकर मौका नहीं है आपको कैरेक्टर ये चीज़ प्रोसेस मेरे लिए बहुत नया था और साथ में अपने आप को नेचुरल दिखाना वहाँ पे हमें आ, जिस तरह के हम डायलॉग डिलीवरी करते हैं वहाँ पर डिफरेंट है यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है जैसे आप हैं वैसे बट कैरेक्टर के शेड्स के साथ तो पूरा प्रोसेस बहुत नया था इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि मैंने ये डिसीजन लेकर सही किया है यू you नो know, एक जगह पे आप कंफर्टेबल हैं और वहाँ पे आपको जाना जाता है यू नो हाउ पीपल विल लुक एट मी क्या मुझे वापस से यू uh, नो you know, बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि मुझे बेशक स्क्रिप्ट मिली और उस पर खड़े उतरना तो उस प्रोसेस मेरे से छूट गया था तो और स्पेशली स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में ही मुझे क्लाइमेक्स के नज़दीकी सीन करने थे तो ऐसा नहीं था कि आ, मैं गई और मेरे लिए इजी था स्किन में घुसना चलो एक आध सीन में सॉफ्ट लाइटर सीन है ऐसा नहीं था शुरुआत से ही फर्स्ट डे या सेकेंड डे ही काफ़ी मेरे मेजर सीन थे इन्फैक्ट तुषार के तो हम दोनों के लिए स्टार्टिंग के फोर डेज़ वॉज़ रियली इंटेंस जहाँ हमें ग्राफ के साथ में जो हमने सोच लिया स्क्रिप्ट को सिर्फ स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मतलब विद द लाइक बिकॉज उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि लोग आपको जानते हैं आपकी जिम्मेदारी है उनके प्रति आज ये नहीं है कि गलती करके निकल गई यू नो तो वो जिम्मेदारी आपको घुस गो मिल देती है कि मुझे पता है ये सीन इतना डिमांड करता है बट मैं इस टाइम पर ये दे पा रही हूँ वो कनेक्ट करना उस सीन से क्या वो निकल के आ रहा है स्पेशली छोटे बजट की फिल्म में वी कांट अफोर्ड टू टेक रीटेक्स सो मतलब यू नो टाइम नहीं है हमें कई सारे सीन एक दिन में करने हैं सो so, uh, बहुत सारा प्रेशर था बट टचवुड बिकॉज ऑफ तुषार ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द लाइक टीम स्पिरिट जो मैं चाहती थी काफ़ी हद तक वो मैं डिलीवर कर पाई हूँ बाकी तो देखिए मैं अपने आप को जज नहीं कर सकती uh, नहीं। 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 जब लोग देखेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसी से मुझे समझ के और फिर मैं आगे और बेटर करने की कोशिश करूँगी ओके okay. ना uh, जैसे uh, बहुत बार हम देखते हैं कि टेलीविज़न पे जो जो थीम्स होती हैं औरतों से रिलेटेड थोड़ा सा रिग्रेसिव होती हैं एट टाइम्स ये कहा जाता है जी, 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 लेकिन यहाँ पर जैसे ये जो बात है कि यहाँ पर स्टैंड आउट इमीजिएटली करती है कि वो आ, उसका ये जो एक स्टैंड है कि मैं अपने अपने माँ बाप के लिए मैं कमाऊँगी तो वो एक स्टैंड जो है वो आई थिंक दैट दैट्स अ प्रोग्रेसिव स्टैंड एंड लड़की का धर्म जो है सिर्फ ये नहीं कि भाई एक बार पराया पराया धन है एक बार शादी हो गई उसके बाद फिर सब कुछ जो है वो Uh, लड़के वालों का हो गया या लड़के का हो गया विच इज इज अ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट टू मेक इन अ वे एंड एंड शी इज एडमेंट ऑन दैट वो उसको स्टिक करने की वो बात करती At least yeah, तो yeah, yeah. है एटलीस्ट प्रोमो से सेना तो ये जो एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट है वो एक एक औरत होने के नाते आपके लिए कितना आपके लिए अहमियत रखता है बहुत आप उसको निभा, है। निभा रही हैं बिकॉज मुझे लगता है एज एन एक्टर मेरी एक जिम्मेदारी भी है सोसाइटी की तरफ और बिकॉज uh, लोग मुझे वैसी उस तरह से इंस्पायरिंग चीज़ों में देखे हैं पहले से तो एक और uh, चीज़ आ जाती है और मुझे लगता है आज हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो बदलाव थोड़ा ईजी हो जाएगा आज हम कहते तो हैं कि ना लड़का लड़की एक बराबर बट जब लड़की की शादी जाती है पच्चीस अट्ठाईस साल के बाद क्या वो एक बराबर इक्वालिटी दिखती है पेरेंट्स तो हेजिटेट करते हैं ना मतलब कि नहीं नहीं अब इधर उतना नहीं इतना हेल्प इतना लाने की जरूरत नहीं है पराया परायाधर है तो अब तो वो चीज़ें बचपन से लड़की सुनती आ रही है कि मैं अपने भाई के बराबर हूँ नो मैं लड़कों के बराबर हूँ बट सडनली जब शादी होती है तो वो चीज़ें उसको फिर लगता है यही माँ बाप मुझे अभी पराय के जैसे ट्रीट करें आज अगर मैं कुछ गिफ्ट लेकर जा रही हूँ तो मम्मी बोलती है कि उन्हें साड़ी इतनी महंगी क्यों खर्च कर दी अपनी सास को देनी चाहिए थी तो आप सडनली आपको लगता है ये नेचुरल है बिकॉज लड़कियाँ आगे आके शायद बोल नहीं रही है इस बारे में बिकॉज uh, हम सोचते हैं औरत से उम्मीद करते हैं कि यू नो इनके ये तो होना ही है ना आई थिंक औरत उस तरह से बनी है लेडीज़ उस तरह से बनी है कि यू नो दैट दे हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज यू नो दूसरी फैमिली में जाके उसकी बन जाती है बट इमोशंस तो रहते ही हैं ना तो Uh, मुझे लगता है कि uh, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली uh, ये बात कहने की तो मुझे लगता है वो जो बराबरी है इन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होनी बहुत ज़रूरी है अगर कहीं ज़रूरत है तो नहीं, नहीं आते आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रही हैं uh, जैसे हम आपसे आपसे जो अभी बात कर रहे थे मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा तो ये ये एक आई थिंक जो जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है बड़ी बेरहम दुनिया है फिर hmm. अहम दुनिया में इस तरीके से कह रहा हूँ जो मतलब जो फिल्में बनती हैं या फिर जो बन, सीरियल्स बनते हैं वो तो खैर लोगों को मनोरंजन करते हैं इंटरटेन करते हैं बट लेकिन यह है कि आ, आपकी जो मार्केट वैल्यू है और ये सारी चीज़ें जो एक जो, जो, जो प्रोवर्बियल टर्म्स हैं right. वो कैन बी दे कैन भी ज्यादा रूथलेस मतलब अभी जब जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा हूँ कि दैट आप जितनी आपने ट्रेनिंग करी है तो जाहिर सी बात है आपको तो एक फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि यार जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझको मिलना चाहिए बिकॉज भाई जाहिर सी बात है अगर किसी ने इस लेवल पे नैश एन एस डी से अगर थिएटर किया हुआ है अगर आपने और आपने सब अच्छे से सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं प्रैक्टिकल तरीके से आपने की हुई हैं तो बहुत बार आपको लगता होगा ये तो मैं इससे इससे बेटर तो मैं कर लेता इसको इतनी इतनी इसको सक्सेस मिल रही है तो वो जो एक जो एक पूरा प्रोसेस है और पेशेंस का जो प्रोसेस है और जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं आपको मिल नहीं पा रहा है

आई हैव डन इनाफ वर्क डज इट मीन कि कोई आज मुझे बोलेगा कि चलते को मैं लीड ले लेकर बनाता हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड ल लॉट ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व इन मेकिंग अ फिल्म बट इफ आई एम एबल टू डू माई पार्ट वॉट इज गिवन टू मी देर इज अ स्टेप अप एंड टू इवेंचुअली गेट अ फिल्म स्मॉल प्रोडक्शन हाउस बट टू गेट अ फिल्म इज अ टाइटल रोल विद द काइंड ऑफ एक्टर्स देर आर रघुवीर जी वीरेंद्र सक्सेना समता सागर सपना साण क्रेडिबल एक्टर्स दीपिका दीपिका ऑब्वियसली मतलब हम लोग यहाँ बैठे उसके अलावा की बात कर रहा हूँ सिंगर्स रेखा जी हैज संग सॉन्ग शालमी है संग सॉ अभिजोतपुरकर हैज संग सॉ आई मीन वट एम ट्राइंग टू से द राइट काइंड ऑफ पीपल केम टूगेदर टू मेक अ फिल्म एंड आई फील दैट ओके इट इज अटेप फॉर्व आई एम डूइंग बेटर देन वट आई वॉज डूइंग यस्टडे एंड दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड एंड मेरे को लगता है इंडस्ट्री इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी नो इफ आई कैन गेक अ वन बिग हिट एंड देन नथिंग हैपन्स माई वे आई डोंट थिंक हेज अ राइट थिंग टू गो रादर देन आई एम स्टेपिंग अप एंड अप एज फिल्म आर हैपनिंग पीपल आर बिगनिंग टू गेव मी सम क्रेडिबिलिटी इन माई वर्क बिकॉज इट इज द थिंग्स आएम ट्राइंग टू चूज एंड मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक इज अस गुड स्टेप एंड यस एवरी वन फील्स एट डिजर्व मोर बट इफ दे आर वर्किंग फॉर इट आई थिंक आई हैव लिटिल कॉन्फिडेंस इन माई वर्क एंड हैं पोस्ट छिछोरिय मैं आपको सच बताऊँ तो इतना काम आ रहा था डायरेक्टली फॉर वेरी सिमिलर रोल विच इज Mommy kind, you know, timid boy, जो घबराता रहता है मामाज बॉय लॉट ऑफ वर्क स्ट्रगलिंग टू से अभी लोग ना जानना शुरू करें पैसा अच्छा आ रहा है सडनली बिकॉज आफ्टर सचोर एवरीबडी वॉन्टेड काइंड ऑफ रोल एंड आई वॉज लाइक विल दिस हेल्प मी विल आई फील हैप्पी अबाउट इट विल इट गिव मी सम का चैलेंट आई वॉज वेरी क्लियरली थिंकिंग नो इट बिकम अ जॉब फॉर मी कि अब मैं जाके वो दोस्त का रोल करूँगा और वो हंसाने वाला करूँगा बिकॉज चल रहा है तो so, रोल्स वैसे आ रहे हैं एंड आई सेड नहीं पता है आ र है काम इट्स ओके एल गो स्लो आश्रम हैपंड अ इयर लेटर वैन इट केम आउट एंड आई गॉट रेग्निश आई फाइन इट्स ओके आइडिट अ फिल्म कॉल्ड होम कमिंग विच इज अ बंगोली इंग्लिश फिल्म इट्स गोइंग टू फेस्टिवल इज ग्रेट आई हैम शूटिंग आई एव शॉट अ फिल्म कॉल्ड लॉस्ट विच इज अन रॉय चौधरी पिंग डायरेक्टर्स नेक्स्ट फिल्म वेरी गुड रोल एंड एम लाइक यार ओके पीपल आर ऑफरिंग मी रोल्स इट्स अ मिक्स बैग ऑफ समाइम ऑडिशनिंग समाइम टेस्ट एंड ऑफर्ड एंड एम से स्टेप अपर देन टी टू केम आई वे रेड द स्क्रेप एस एफके टाइटल रोल देर इज समथिंग आई कैन शो टू पीपल वो वॉच इट तो आई फील इट्स बेटर टू गो स्लो एंड क्रेडिबल दैन टू डू फाइव रोल सनली गेट मनी एंड नो वन ऑफर्स यू एन इंटरेस्टिंग रोल सो येस देर इज अ स्ट्रगल देर इज अ स्ट्रेस बट यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन एंड से बॉस इट्स अ लंबी रेस का टाइम एंड नॉट अ टू ईयर सक्सेस एंड देन वही दोस्त के रोल करते रहो बिकॉज आप उसमें नाम कमा चुके हो वेरी नाइस वेरी नाइस ओके ना दीपिका जैसे आपका टेलीविजन uh, में आपका एक आपका एक, एक अच्छा नाम है uh, जैसे बहुत बार हम लोग जैसे स्टीरो की बात कर रहे हैं uh, तो बहुत बार ये होता है कि भाई आपकी शादी हो गई बच्चा हो गया तो फिर एक ये एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि दैट यू नो दैट मे बी शी मे बी द हीरोइन शी विल बी डूइंग इट पार्ट टाइम वो काम करेंगी और फिर एक सर्टन परसेप्शन बन जाता है उसके उनके बारे में वो एक प्रोफेशनलिज्म की जो बात होती है और जो एक कंट्रोड uh, एलिमेंट की बात होती है दूसरी तरफ ये होता है कि बहुत बार जो एक्टर्स होते हैं एक्ट्रेसेस होते हैं वो बहुत लोनली भी होते हैं बिकॉज दे दे टेंड टू शन अवे रिलेशनशिप्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क कि उनके लिए काम ही उनका सब कुछ होता है उसकी वजह से दे डोंट वांट टू फॉल इन टू इन रिलेशनशिप एंड दे एंड बीइंग वेरी लोनली एंड उनके एंगजाइटी इशूज़ अलग तरीके के हो जाते हैं तो बहुत ही पेचीदा सा uh, मतलब uh, मसले हैं इंडस्ट्री में जी। mm -hmm. आप कैसे देखती हैं द इफ इफ यू हैव टू टू टेल ऑल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वॉचिंग दैट हाउ

आपको लगता ही नहीं है ना ट्वेंटी फोर आवर्स भी कम पड़ते हैं तो एज एन एक्टर मुझ में ललक रहती है बेटर करने की और मुझे लग मुझे पता है कि मुझे उस टाइम के लिए एक महीने के लिए मुझे कट ऑफ होना है Uh, और आई थिंक मैं उतनी स्ट्रॉग हूँ कि मैं वो कर पाती हूँ आई हैव दैट सपोर्ट सिस्टम एंड आई बिलीव कि वो लोग रॉन्ग रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली इतना मनी एंड एवरी थिंग इज़ ऑन यू एंड यू आर द फेस एंड स्पेशली वो सब चीज़ें तो साइड ही हो जाती हैं पर्सनल प्रोस्पेक्टिव की बात करूँ तो ख़ुद से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस एक महीने के अंदर इस हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट उसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा लगती है तो क्या मैं उतना डिवोट कर पाऊंगी जब मुझे लगता है कि हाँ मैं वो यू नो आइसोलेशन में जा सकती हूँ और मैं वो डिवोट कर सकती हूँ तभी मैं वो प्रोजेक्ट पकड़ती हूँ और फिर उसके लिए और जब मेरे पास ऐसा कोई कॉन्स है अभी जैसे फिल्म में होने की है तो मैं बहुत स्ट्रॉग हूँ और तब मैं नहीं देखती बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि गॉड है जो सबका ध्यान रखेंगे और मेरी फैमिली का भी रखेंगे आई एम नॉट द ओनली पर्सन यू नो जो अकाउंटेबल और जो लाइबल है मेरी ड्यूटी मेरे सब टाइटल्स हैं बट साथ में सबसे बड़ा टाइटल है कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे मेरे अंदर बहुत ललक है और बहुत कुछ है जो मुझे डिलीवर करना है स्क्रीन को तो डैट्स वाई मैं अपनी लाइफ में भी ग्रो हो रही हूँ ताकि मुझे उधर से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले क्योंकि मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है इन अ सटल वे सो एंड दैट्स वॉट कि मैं इतने वक्त के बाद आ रही हूँ बट आई एम एबल टू डिलीवर समथिंग न्यू एंड बिकॉज मैं थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही हूँ तो लाइफ में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बट साथ में जो आपका काम जो डिमांड करता है उस पर खड़े उतरना मुझे लगता है कि जब मैं वो हंड्रेड दे पाती हूँ वो मेरा सबसे मुझे गर्ण नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मैंने काम किया और मैंने इसमें बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल इशूज़ मैं नहीं डिवोट कर पाई बट और ये पर्सनल प्रॉब्लम्स तो शुरू से हैं ऐसा नहीं है कि अभी से हैं लाइफ किसी की भी बहुत बराबर नहीं होती है तो वी हैव टू मैनेज मुझे लगता है माइंड ही सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है और वही आपका सबसे बड़ा साथी होता है So, I, I try to meditate every day, I do ODC dance, you know, which helps me to disconnect with everything, then I do meditation, I am into workout, all these things I am doing for my mind so that whenever I need that isolation, I am able to do that because I know this is a serious business, this is a this is a very responsible job, then only, you know, I can transform myself in, into a character and people can relate to it. And I you know, I was not able to touch my phone, like, uh, I uh, तीन साल तक तो मैंने मतलब अपने ही फ्रेंड से बात नहीं की थी बिकॉज दैट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होना स्पेशली आप जब न्यू हो, तो रिक्वायर्स अ लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क योर डिवोशन इट्स ऑल अबाउट डिवोशन आई फील और मैं वो कर पाती हूँ टचवुड एंड उसके लिए हर दिन मेहनत करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान अगर खुद इतना डेडिकेटेड है जब लोग देखते हैं कि दैट शी इज़ डेडिकेटेड एंड शी इज़ हार्ड वर्किंग आज मैंने तुषार तो के साथ काम किया सीनियर समता जी वीरेंद्र सर मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा खेल होता है आप किसी को जो सोशल मीडिया पे या फिर आप जो आपकी इमेज होती है उससे जो बातें होती हैं मगर जो पर्सनली जो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं वो आप नहीं छुपा सकते आप जैसे हैं वो दिख जाएगा दो दिन दिन में में। तीन से से मुझे लगता है है, कि बहुत सारी चीजें हेल्प करती हैं। अगर मैं दि, दिखा, मैं मैं सिर्फ दिखा, जब परफॉर्म कर रही रही किस तरह से काम को ले रही हूं? तो वो चीज़ होती उसके बाद भी काम किया है हमारे दोनों हीरो हीरोइन बहुत समझदार हैं, ये बहुत, <laughs> बहुत, बहुत ये हो चुका है <laughs>

है ना आई थिंक यू टू होल्ड स्मॉल टाउन रोमांस को अगर आप एक हैश टैग में समअप कर सकें तो हैश टैग गली के पीछे की कहानी हैश टैग गली के पीछे घर के पीछे ही गली की कहानी क्या ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी बीवी की अर्निंग के ऊपर आप जिंदा रहने की कोशिश करें वाई नॉट आई थिंक जिंदा रहने as as is, की और एज लॉन्ग एज दे दोनों के बीच में तालमेल सही है और अगर लड़का लड़की को सपोर्ट कर सकता है तो लड़की भी लड़के को सपोर्ट कर सकती है एंड आई नो पीपल हु आर फॉलोइंग द पैशन इन लाइफ एंड राइटिंग अ बुक एंड नॉट वर्किंग एंड द वाइफ इज़ वर्किंग आई हैव अ फ्रेंड एंड दे आर हैप्पी बिकॉज ई सिंग वॉज आई वॉन्ट टू राइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उसने कहा तू लिख आई एम इन अ वेरी गुड जॉब सिक्योर जॉब एंड देर इज़ वेरी इफ आई लुक एट इट सो या राइट

तो वो रस्ते के चक्कर में बहुत सारी चीजें पानी पड़ता है मुंह पे। दीपिका का एक डायलॉग है कि कोई लड़का पेग हाँ, तो कभी अपनी बीवी को हाँ, शादी के बाद कभी एक लड़के से तो पूछा नहीं जाता कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा कि नहीं लड़की से क्यों आगे बोलती नहीं हो, बोल हो है वो बस वहाँ पे फुल समझ जाओ सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं क्यों होता है देखे। देखे। क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के पे ये माना जाता है कि शादी के बाद लड़के के घर में रुकेंगे अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ये तो मान लिया जाता है कि अरे लड़के के बाप बाप तो लड़के के साथ रहते ही हैं तो वो तो साथ का हो गया तो वो सोचा भी नहीं जाता कि अच्छा आपको लड़के अपने माँ बाप का ध्यान रखना है और लड़की बिकॉज यूजली इन द इन नाव इन नार इंडियन सेटअप यूजली मूव टू द लड़काज हाउस तो वो तो एक परिवार हो गया तो लड़के से तो नहीं पूछा जाता कि माँ बाप खाना क्या खाएंगे या घर में एक साथ खाएंगे या नहीं खाएंगे तो लड़की से क्यों पूछा जाता है आई थिंक दट इज़ वाट वे क्वेश्चन ई राइट ना बट इट इज़ चेंजिंग नाउ एट लीस्ट एंड की लड़का लड़की शादी कर अपने आप अलग रहना शुरू कर देते हैं एंड मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके माँ बाप लड़के के माँ बाप एक फ्लोर ऊपर रहते हैं लड़की के माँ बाप सेकंड फ्लोर में रहते हैं और सब बॉम्बे के बाहर के हैं तो अब थोड़ा सा वो शुरू होने लग गया है कि आ, लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बट मेजोरिटी तो इंडिया में यही है कि लड़के के माँ बाप पार्ट ऑफ फैमिली हैं लड़की के थोड़े शादी के बाद रोमांस कम क्यों हो जाता है

बट uh, मुझे ऐसा लगता नहीं है मुझे लगता है कि यू नो आप जैसे रितेश जी ने एक शो में बात की थी यू you नो know, कि प्यार को आदत बन जाना चाहिए मगर uh, वो आदत जो है हर रोज़ मतलब हमें एहसास भी कराना चाहिए दैट वी लव यू बिकॉज चाहे वो छोटी छोटी बातों से हो तो वो चाहे बट रोज़ रोज तो -रोज बहुत पॉसिबल नहीं होता है हाँ चार दिन में कर दिया <laughs> एक टेक्स्ट हो गया या यू नो हार्ट भेज देना तो मुझे लगता है कि हम लाइटर होके चलते हैं तो इजी रहता है सब आई गॉट अ वेरी इजी हस्बैंड मतलब छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है <laughs> अच्छा आपके हस्बैंड छोटी-छोटी हाँ, बातों से हां मतलब थोड़ा थोड़ा अगर कुछ मैं कर दूं थोड़ी चाय भी बना दी अपने हाथ से या आ, कुछ अच्छा खाना बना दे तो खुश हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्या खास पसंद है उनको उनको मेरे हाथ मैं कुछ भी बना दूँ इनफैक्ट मुझे अभी तक ये नहीं पता कि रोहित को पसंद क्या है सो बट चाय बना देती हूँ कभी या अच्छी कॉफी बना देती हूँ फिल्टर कॉफ़ी

एंड होल्ड थिंग्स आँखें इन जब मैं स्टेज पर भी इनको देखता हूँ दे शोज पे आँखें नहीं हटती हैं एंड दैट इज़ समथिंग एज एन एक्टर आई एस्पायर टू कि वैन एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज बिकॉज आई कीप डूइंग थिएटर ऑल्सो दैट यू नो आई आई कैन जस्ट गेट दैट स्पेस ऑफ पीपल लुक एट नी वैन एवर एम वो कहीं भी होते हैं स्टेज में डायलॉग हो ना हो hmm. आँख रहता है वन मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत दैट इज अनफॉर्कुटेबल आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट विद वॉट एवर स्पोर्ट यू प्ले Like uh, table tennis, uh, uh, pool, whatever you play, brilliant. I mean, never lost. You could write with both the hands, mirror image. So, we used to do this challenge where he would uh, write a word and the mirror image with the other hand, which was brilliant. I mean, yes, he is. He is. I mean, yeah, he's alive. He'll right always in your be heart, alive. Obviously, mm, because mm. you spend and he's an inspiration and uh, people mm. live with you. And I think whatever I do, I kind of feel, you know, you have to use that inspiration and work as hard. All right. I think, I think he has been very honest with his answers. Deepika, now Rapid fire with Deepika. Did someone like Vijendra Kala's character in Tutu Amani have come to you, at your home to pitch for a groom where you were not, when you were not married? No, no, it has never happened. नो नॉट या मेरे मम मेरे मम्मी पापा खुद ही मतलब रिश्तेदारी में ही ढूंढते uh, थे तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी को कोई लेकर नहीं आए मतलब बिचौलिया नहीं आए घर पर uh, और उस जब तक वो एज आती तब तक तो मैं मुंबई आ गई और दिया और बाती हमें परफॉर्मेंस करने लगी ब्रजेंदर काला को अगर आप समप करें एक एक सेंटेंस में अमेजिंग एक्टर वेरी स्पॉन्टेनियस एंड ही इज अ एक्टर हु इज नॉट स्टिक टू द स्क्रिप्ट यू नो ही रीज द स्क्रिप्ट एंड देन ही यू नो अपना जब मुझे काफ़ी उनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला तो काफ़ी मुझे uh, ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी लाने की कोशिश की कि स्क्रिप्ट है इट्स आइडियल बट ट्राई टू डू समथिंग मोर यू नो अपनी तरफ से भी हमेशा उनकी ललक रहती थी कि कुछ अलग से क्रिएट करना तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी उनके अंदर और मैंने भी वो अडेप्ट करने की कोशिश की है आपकी नज़र में बॉलीवुड uh, का सबसे बड़ा श्रवण कुमार कौन है बॉलीवुड का श्रवण कुमार आई थिंक अक्षय कुमार जो है उनके ट्यूट्स और uh, जिस तरह से उनकी मॉम एक्सपायर की थी और उन्होंने जिस तरह से मैसेजेस uh, के बाकी सबका तो मैं उतना नहीं पर uh, वो मुझे रजिस्टर हुआ एंड ही वाज क्वाइट अपसेट एंड उससे पता लगा कि शायद उनकी मम्मी उनके पास ही रहती थी hmm. तो इतने बड़े शहर में इतना नाम कमाने के बाद अपने माता पिता के साथ रहना एक uh, बहुत बड़ी बात हो जाती है नो uh, सक्सेस uh, के साथ तो मुझे बहुत एडमायर की वो बात जो है और uh, काफ़ी कनेक्ट किया मुझे वो आपकी नज़र में लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने पार्टनर की हेल्प कर पाएँ अपनी फ़ैमिली की हेल्प कर पाएँ और जो वो चाहती हैं वो कर पाएँ बिकॉज uh, uh, हम मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से लाइफ यू नो अपने मंथली लाइफ तब तक भी जी सकते जब तक यू you नो know, एक फिनेंशियल फिनेंशली स्टेबिलिटी नहीं होती माइंड में तो बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़े रहना और कुछ अपने लिए तभी हम कर पाएंगे एंड वो फिनेंशियल आजकल का जितना हम डेवलपिंग कंट्री से हैं तो पैसे की जरूरत पार्टनर को भी हो सकती है ख़ुद को भी हो सकती है फैमिली को भी हो सकती है कब तो बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए हर चीज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट डेस्टिनेशन क्या आपका ट्रैवलिंग के लिए अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारे फोटोग्राफ्स देख रही हूँ मालदीव्स के तो मैं प्लान कर रही हूँ कि जो है आने वाले समय में अगर नेक्स्ट ट्रिप हो तो कोशिश यही रहेगी कि मोल जाऊं। ओके okay, तुषार का एक डायलॉग है पति कमाए तो पत्नी को उस पैसों से पूरा हक़ हाँ है और और अगर पत्नी, पत्नी कमाए तो सिर्फ उसका खुद का क्या, क्या बहुत मज़ा आया मुझे बहुत मज़ा आया मैं तो पूरी एग्री करती हूँ जाते और आ, आ, जो है तो सही बात है कि मतलब कि पति कमाए तो मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो हम तब ताँ उस टाइम पे सोचते हैं तो डेफिनेटली ये वर्सा होना चाहिए इक्वालिटी है हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए और मैंने देखा है कि स्पेशली जब लड़कियाँ कमाती हैं और जब उनके हस्बैंड उतना नहीं कर पा रहे हैं तो वो थोड़ा दिखाने लग जाती हैं जो कि हस्बैंड में नहीं होती है चीज़ यू नो आपको अगर वो गिफ्ट दिला रहे हैं या आपके आपको अपना मतलब आपके सारे फ्रेंसी का टेक केयर कर रहे हैं आप अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं तो कभी जताते नहीं है बट समाइम्स कुछ लड़कियाँ जो है जताना शुरू कर देती हैं तो वो चीज नहीं नहीं। चीज़ नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि तभी जत, जब हेल्प करनी है तो जताना क्यों नो फिर क्या होता है कि लड़के ले नहीं पाते वो हेल्प तो ठीक uh, से हेल्प तभी हो पाएगी एक यू नो एक गाड़ी सही से तभी चल पाएगी जब आप मदद करें भी तो पर सामने वाले को बताना चले क्या बात है व्हाट वुड यू से अबाउट द आयरनी ऑफ अ गर्ल बिकमिंग a guest in her own house post marriage. Hmm, अपने खुद के घर में वो, वो गेस्ट बन गए हैं मुझे लगता है इसमें आ, लड़की को भी और फैमिली को भी बहुत सपोर्टिव होना चाहिए और लड़की को भी आ, थोड़ा सा पेशेंस से काम देना चाहिए ऑल ये है बट हम जब प्यार करते हैं तो प्यार में प्यार बिना सेक्रीफाइस के अधूरा होता है और ये लड़के की तरफ से भी होना चाहिए सेक्रीफाइस उसको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए उस लड़की को तो या ये डिफ़िकल्ट तो है बट मुझे लगता है कि Uh, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए हाँ मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहना ही रहना वो आपकी दोनों पार्टनर्स की चॉइस है बट अगर पार्टनर रहना चाहता है और आप नहीं रहना चाहते तो मुझे लगता है वो गलत बात है बिकॉज किसी को भी उसकी मदर से दूर करना मुझे लगता है इतना एक ऐसी कॉमन क्वालिटी बिटवीन संध्या फ्रॉम फ्राम दिया और बाती और मौसमी फ्रॉम टी अंबानी

ओ माय गॉड दोनों बहुत अमेजिंग है दोनों बहुत अमेजिंग है एंड दोनों आपको लिबर्टी देते हैं परफॉर्म करने की यू नो एंड लिबर्टी एज एन रिहर्सल्स करते हैं दोनों अपना बेस्ट देते हैं जब यू नो कोटर आपका बेस्ट देता है तो आपको भी चैलेंज uh, हो जाता है अंदर ही अंदर यू you नो know, आपको भी स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए और आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है तभी दिखोगे वरना सारी स्क्रीन फेस यही ले जाएंगे <laughs> तो या बट ऑब्वियसली राइट नाउ इट्स द और ड्रीम है ये uh, तो तुषार स्मिता पाटिल और दीप्ती नवल स्मिता पाटिला एंड तुषार बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड टी टू मानी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रोमो भी बहुत दिलचस्प है एंड आई होप दैट इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर देखें Thank you. Cinema sir. hall me and it, it it just travels to your thank you so target much target audience. Thank you very much and all the best wishes. Thank, thank you, you so much, sir. That's all. We have from Bollywood Keep on watching. Hi, I'm Tushar Pandey. And I'm Deepika Singh. And you're watching Bollywood, Bollywood Hangama. Han -Gama.